छत्रपाल जी मैडम, कोई नया मामला तो नहीं है? नया मामला? और वो कहाँ है रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज तो अंदर ही है। ठीक है तो चलो तुम पानी पिलवाओ। जी मैम। लीजिए मैडम। जय हिंद। जय हिंद। क्या हुआ उस मर्डर केस का, या ऐसे ही है जैसे वो पहले था? क्या समझ रखा तुम चौकी वालों ने, तुम्हारे बाप का राज है क्या? अरे नेताजी शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ कर बताइए जो भी बात है। अरे होता क्या, हम अपना देश पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और हमने कितने पुलिस वालों को सस्पेंड करा दिया, न जाने कितने लोग घर में बिठा दिए, और हमने कितने पुलिस चौकी इंचार्जों की नौकरी खा चुका हूँ मैं। तूने मेरा ही आदमी पकड़ लिया, तू क्या समझती है चौकी इंचार्ज होके प्रधानमंत्री बन गई? ओ नेता, क्यों चौकी को सिर पे ठहरा के बात होगी? अरे ये चौकी इंचार्ज रहेगी नहीं, ये तो कल तक मेरे पैर पकड़ेगी पैर। अरे तेरी बहन का पति नेता मारूं, तू तो सबे एक लाठी हाथ रहा। रामपाल रुको, रामपाल रुको, रामपाल रुको, रामपाल रामपाल स्टॉप रामपाल। क्या बदतमीजी है? अजय यू इना लिया पड़ रहा, कमाल है। तुम्हें बताया वो रूलिंग पार्टी का नेता है? तो हम भी रूलिंग पार्टी के हेड कांस्टेबल है, न्यू थोड़ी है। तुमने उसका आदमी क्यों पकड़ रखा है? अजी उसका आदमी रामपाल सिंह ने तो 15 पकड़ रखे। व्हाट नॉनसेंस, 15 आदमी क्यों पकड़ रखे हैं? हाँ 15 भी बताऊंगा, तुम आराम से बैठो, मैं बता रहा हूँ। तुम आराम से बैठने दोगे? जीना हराम कर रखा है तुमने, उसके आदमी क्यों पकड़ रखे हैं तुमने? देखो ये मामला मर्डर केस का है, और मर्डर केस वैसे ही नहीं खुलता, शक में पता नहीं कौन कौन पकड़ना पड़ता है। तुमने किस किस को पकड़ लिया? देखो इस केस का कोई सुराग तो था नहीं, बस एक ही सुराग था 15 नंबर, तो मैंने 15 नंबर संबंधित सब लोग पकड़ लिए। मतलब जिसका मकान नंबर 15 था वो पकड़ लिया, जिसकी दुकान का नंबर 15 था वो पकड़ लिया, एक की मोटरसाइकिल का नंबर 15 था वो पकड़ा, एक के ट्रैक्टर का नंबर 15 था वो पकड़ा, एक तो मेरे आगे निकला हाँ भाई ब्याह के तारीख का, तो वो दूसरा कह रहा 15 तारीख का, मैं कहा यहाँ आजा मैं बताता हूँ ब्याह के तारीख का। फिर मैं उन्हें लेके चला तो एक मेरे धोरे दौड़े आया, अब दीवान जी 1500 रुपए खुले मिल जाएंगे, मैं कहा आजा चौकी में धुआं खुलवा के तुझे। ऐसे मैंने 15 नंबर संबंधित बहुत सारे लोग पकड़ रखे हैं। सुरजीत सिंह का बैज नंबर भी 15 कहो तो अंदर कर दूं। शट अप मूर्ख तुम। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई ये क्या बदतमीजी हुई नेताजी के साथ आपकी चौकी में? क्या बताऊं सर, आपने एक से एक छटा हुआ आदमी चौकी में छोड़ रखा है, और सबसे बड़ा मूर्ख तो ये रामपाल है। और जब तक ये चौकी में, आप ये मत समझना कि कोई भी काम यहाँ सीधा हो सकता है। ओके ठीक है, तुम अपने स्तर से इस मामले को देखो। ओके सर, जय हिंद सर। देख रहे हो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सुननी पड़ी है। तुम्हें तो मेरी गलती दिखाई देवे, देख नहीं रहते हो साला तेरे सिर पर चढ़ा जा रहा था, न्यू लगाए थे उसमें दो। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, मैं बात कर रही थी ना। अब उन सब लोगों को बाहर लेकर आओ जो तुमने पकड़ रखे हैं, और उनसे माफी मांगो और छोड़ दो। माफी? माफी या रामपाल? रामपाल कहीं का डीएम लग रहा है या डीआईजी, जाओ उन्हें अंदर से बाहर लेकर आओ। राजवीर ले आइए भाई। चलो भाई आ जाओ सारे बाहर, सारे एक लाइन में चलो चलो, वहां वो खड़े, चलो चलो और आगे हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, चलो चलो, अरे काट दो ना, ए चल बे चल, इधर आ जाओ लाइन में, आगे आ जाओ एक आधा, अरे तू कहाँ खड़ा, चल चल खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ इधर। देखिए आप सभी लोग जानते हैं मर्डर केस कितना संगीन है, पुलिस को अपनी कार्यवाही करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए नेताजी का आदमी कौन सा है? मैं हूँ जी। तेरी बाण की तेरी तो रुको, मैं रुको रामपाल, रुको स्टॉप दिस रामपाल, स्टॉप रामपाल, आई से स्टॉप। अजी सब बता दूंगा, दरोगा जी को मुझे मारने से बोल रामपाल, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, बताओ क्या बात है जी? वो मर्डर मैंने ही किया है। वो मर्डर तुमने किया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तुमने क्यों किया है मर्डर? 15 बीघे जमीन का मामला था जी,
15 बीघे जमीन का क्या मामला था? अजी जगदीश ने 15 बीघे जमीन खरीदी थी और उसने मेरे नाम करा दी। किन्हीं कारणों से उसके नाम जमीन नहीं हो सकती थी। उसने कहा था कि वो बाद में जमीन अपने नाम करा लेगा। अच्छा, फिर? फिर मेरे मन में फर्क आ गया जी और मैंने उसका मर्डर कर दिया मैडम। ओहो सुरजीत जी, मैडम इसका बयान दर्ज करके कस्टडी में लो और बाकी लोगों को जाने दो। ठीक है मैडम। देखिए, केस की संगीनता को देखते हुए आप लोगों को शक के आधार पर पकड़ा था। क्योंकि अब असली मुजरिम मिल चुका है तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। चलो चलो, लाइन मत तोड़ दियो कोई सा। चलो हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं ये कह रहा था, आपकी चौकी का एक मर्डर केस है, उसका क्या रहा? सर वो मैंने कल ही अपने अंडर लिया है और कातिल को पकड़ भी लिया है। ओह वेरी गुड, अच्छा लगा ये सुनकर। वेरी गुड। जय हिंद सर। तन्ने सोल करायो केस? हाँ तो। हे भगवान, पहले झूठे मर जाए करे थे, अब तो बुखार भी ना चढ़ता। अच्छा, तुमने तो कितने निर्दोष लोगों को अंदर कर दिया था। अगर मैं ना आती तो ये मामला कितना तूल पकड़ सकता था। अरे तो तूल को हम देखते ना। तुम्हें तो कुछ पता है नहीं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, एक बात को कहीं भी जाने में जरा भी देर नहीं लगती। मुझे बनाओ मत, यू केस मन ने खोला है, इसे मेरे नाम लिख। तुम बेवजह निर्दोष लोगों को पकड़ कर लाए थे। मर्डर केस में कितने लोग गिरफ्तार करने पड़े हैं, ये केस मेरा है और मन ने खोल लिया है। बकवास मत करो, चलो जाओ अब गाड़ी निकालो, हमें राउंड पर जाना है।